नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूँ एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ निविया सॉफ्ट के 3 नए मॉइस्चराइजर्स। निविया कंपनी खुद एक मॉइस्चराइजिंग कंपनी जानी जाती है। निविया के सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और सारे मॉइस्चराइजिंग लोशंस आज मार्केट में सक्सेस है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और मॉइस्चराइजिंग लोशंस के सेल कम होने की वजह से निविया ये 3 नए फ्रेग्रेंसेस लाए हैं, 3 नए वेरिएंट्स लाए हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम के। निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम बोल सकते हैं। ये 3 नए फ्रेग्रेंसेस कैसे हैं, इसे इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, कंप्लीट डीप रिव्यू डेमो करके बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। निविया के नए मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स के 3 वेरिएंट हैं और एक है 200 ml, एक है 100 ml और एक है 50 ml। 200 ml का MRP है 270 rupees, 50 ml का MRP है ऑलमोस्ट 160 rupees और 50 ml का MRP है 85 rupees। तो 3 नए फ्लेवर्स हैं, तीनों फ्लेवर्स के नाम पढ़ रहा हूँ। ट्रॉपिकल फ्रूट है और बेरी ब्लॉसम है और चिल एंड मिंट है। 3 नए फ्लेवर्स हैं और ये यूजुअली गर्मी के मौसम में लॉन्च किए गए हैं ताकि गर्मी के मौसम में भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करें और आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। यूजुअली गर्मी के मौसम में सबकी स्किन स्वेटी रहती है तो मॉइस्चराइजर लोग प्रेफर नहीं करते हैं लगाना, लेकिन निविया क्रीम दावा कर रही है कि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसे ही आप लगाएंगे तो आपके स्किन को ठंडा फील होगा, ठंडा एहसास होगा। तो इंग्रेडिएंट्स को जानते हैं क्योंकि इंग्रेडिएंट्स से ही प्रोडक्ट बनता है, तो इंग्रेडिएंट्स को डिग इन करते हैं और समझते हैं क्या है। पानी है, ग्लिसरिन है, ग्लिसरिन आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। विटामिन ई डाला गया है, डाइमेथिकोन डाला गया है स्किन को ठंडा रखने के लिए, लैनोलिन डाला गया है जिससे क्रीम बनता है, और नया कुछ लेमोनिन एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं और सिमसेडा चिनेसिस सीड ऑयल। चिमसेडा सिनेसिस सीड ऑयल जो चाइनीज़ सीड ऑयल है और मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, कुछ ज़्यादा नहीं करता है, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत ओल्ड प्रोडक्ट है जो ये वापस लाए हैं। और कोका पाउडर है, कोका एक्सट्रैक्ट थोड़ा हाइड्रेशन देता है और ऑलमोस्ट बाकी सारे प्रोडक्ट क्रीम को बनाने के लिए ही हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट नहीं डाला है। अब सबसे मेजर बात की जाए दोस्तों, एक फैक्ट यहाँ पर अभी खड़ा हो रहा है। इंग्रेडिएंट्स वेरिएंट्स 3 हैं हमारे पास, हमारे पास ट्रॉपिकल फ्रूट है, हमारे पास बेरी ब्लॉसम है, हमारे पास चिल एंड मिंट है, 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। लेकिन फैक्ट बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब डिग इन करने के बाद, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि तीनों के इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है, इन्होंने सिर्फ परफ्यूम्स चेंज किए हैं। मतलब क्या है कि चिल एंड मिंट में थोड़ा मिंट का परफ्यूम डाला है, बेरी ब्लॉसम में बेरी की परफ्यूम डाली है और ट्रॉपिकल फ्रूट में फ्रूट्स की परफ्यूम डाली है। इनफैक्ट ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्रीम्स की इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे सेम है, काम भी वैसे के वैसे ही करेंगे, सिर्फ परफ्यूम्स अलग अलग हैं, फ्रेग्रेंसेस अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये चीट एंड रन है कि आपको बोला जा रहा है कि ये मिंट है तो ये थोड़ा ठंडा करेगा, या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। तीनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है, काम तीनों एक जैसे करने वाले हैं, सिर्फ फ्रेग्रेंसेस अलग हैं। तो मेजर बात यही बताने वाली है कि सिर्फ फ्रेग्रेंसेस अलग है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि आप ये लेंगे तो आपको ये मिस आउट कर देंगे, कोई भी एक लेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फ्रेग्रेंस का फ़र्क है। अब इसे अनबॉक्स करता हूँ और थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। जोजोबा ऑयल डाला है और विटामिन ई डाला है एज़ यूजुअल, और तीनों में जोजोबा ऑयल और विटामिन ई है, मैंने पहले ही आपको इंग्रेडिएंट्स में पढ़ के बताया। फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो चिल एंड मिंट में थोड़ी पुदीने जैसी फ्रेग्रेंस है और मॉइस्चराइजर चिल एंड मिंट का फ्रेग्रेंस थोड़ा मिंटी है, पुदीना फ्लेवर फ्रेग्रेंस है और लगाने के बाद जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन थोड़ा चिपचिप भी नहीं है और काफ़ी सिल्की स्मूथ मॉइस्चराइज़र है चिल एंड मिंट। तो ये काफ़ी पुदीना टाइप फ्रेग्रेंसेस हैं और शायद ही किसी को चिल एंड मिंट फ्रेग्रेंस अच्छी लगे। अब सिट्रस लेमन को फ्रेग्रेंस को देखते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि सारे मॉइस्चराइजिंग के इंग्रेडिएंट्स तीनों के इंग्रेडिएंट्स सेम ही हैं, सिर्फ फ्रेग्रेंस का फ़र्क है। तो ये सिर्फ चीट काम है कि आपको सिर्फ फ्रेग्रेंसेस अलग देके क्रीम में एक ही रखा है। हाँ, ट्रॉपिकल फ्रूट है
ये ऑलमोस्ट पाइनएप्पल और नारियल और पाइनएप्पल नारियल और मौसम्बी और नारंगी टाइप फ्रेगनेंस है ट्रॉपिकल फ्रूट का। और लगाने के बाद देखा जाए तो मैं इसे थोड़ा दूर लगा रहा हूँ। हाँ, कोकोनट टाइप, आपको नारियल का ही ज़्यादा फ्रेगनेंस आएगा, कोकोनट फ्रेगनेंस आएगा आपको इसमें। लिमिटेड एडिशन फ्रेगनेंसेस हैं और कुछ ही वक्त तक ये अवेलेबल रहने वाले हैं, क्योंकि निविया इसे ज़्यादा नहीं बनाने वाला है, ये वो क्लियरली बोल रहे हैं। लेकिन मार्केट में डिमांड आती है तो सब बनाने लग जाते हैं, लिमिटेड एडिशन तो सिर्फ सेल बढ़ाने का काम है। बेरी ब्लॉसम को टेस्ट करते हैं, फ्रेगनेंस बताता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, बेरी ब्लॉसम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जल्दी लॉक हो रहा है जो अब मैं आपको एक नया फैक्ट बताने वाला हूँ, जिससे आप देख के फिर से रोज़ और स्ट्रॉबेरी, हाँ रोज़ और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फ्रेगनेंस है। अब नया फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो करंट निविया सॉफ्ट क्रीम आ रही है उन्होंने वही रखी है, कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ परफ्यूम्स अलग डाली है, प्रेगनेंसीज अलग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इंग्रेडिएंट्स में, जोजोबा ऑयल नया डाला हुआ है, जोजोबा ऑयल इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट, कुछ नया नहीं डाल रहे हैं, कुछ अजूबा नहीं काम कर रहे हैं। अब ऑल एंड ऑल इसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, अगर आप गर्मियों के मौसम के लिए कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं, श्योरली इस मॉइस्चराइज़र पर जाइए, क्योंकि नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, तो अच्छा मॉइस्चराइज़र है और अच्छी फ्रेगनेंसेज वाले हैं। मुझे प्रेफरेबल ट्रॉपिकल फ्रूट वाला फ्रेगनेंस लगा, थोड़ा कोकोनट टाइप फ्रेगनेंस है जो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा है। चिल एंड मिंट पे मत जाइए, पुदीना टाइप फ्लेवर है, आपको पर्सनली, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आपको मिंट फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप श्योरली जा सकते हैं। अब बात करें कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, गर्मियों के मौसम में कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं श्योरली खरीदिए, लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं आया है मार्केट में, कुछ ऐसा अलग प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपको परफ्यूम्स चेंज कर कर करके दे रहे हैं। तो मॉइस्चराइज़र्स अच्छे हैं लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं है, प्राइसिंग के हिसाब से भी ठीक है, आप श्योरली इस पे जा सकते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा, जो मुझे, मैंने खुद ने भी पढ़ा कि कूलिंग सेंसेशन देगा, ऐसा कुछ सेंसेशन दे नहीं रहा है, और ठीक है ओवरऑल अच्छे हैं लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप गर्मियों के मौसम में कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढें श्योरली इस पे जाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।